20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 और 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी, बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। राउंड प्लस 2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। शीन से लेकर मुमरा तक सभी होटलों से पार्सल मंगाकर धोखाधड़ी करने वाले युवकों को होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ा। देखिए किस तरह से करते थे ये युवक पार्सल मंगाकर होटल मालिकों से ठगी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बुधवार 22 नवंबर रात के समय शीन फाटा के होटल फाउंटेन में, जिसके मालिक है मौलाना सफातुल्ला, तो इनके होटल में कुछ युवकों ने पार्सल मंगाया और उसके बाद इन युवकों को होटल मालिकों ने, होटल एसोसिएशन जो मुमरा कौसा की है, जो शील तक का कार्यरत है, तो इसके पदाधिकारी है इन्होंने, जिसमें एक होटल फाउंटेन के मालिक मोहम्मद सफातुल्ला भी हैं, मौलाना है, तो इनके और इनके साथियों ने इन युवकों को पकड़ा। पकड़ने की वजह यह थी कि पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने से शील फाटा परिसर का होटल रीगल हो, फाउंटेन हो, या फिर वाई जंक्शन पे अब आलीशान होटल करके खुला है, होटल साहिल है शहर का, बाईपास पर होटल ताज है, ऐसे कई होटलों पर एक ही नंबर से ऑर्डर करके पार्सल मंगाया जाता था, पार्सल ले लिया जाता था और पार्सल लाने वाले कर्मचारी को बेवकूफ बनाया जाता था। तो ये बनाने वाले ये 3 युवक जो वीडियो में आपको दिखाई देंगे, जिनको होटल मालिकों ने, होटल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा। इसमें किस तरह से ये होटलों में भी आते थे और पेटीएम का फेक मैसेज दे करके भी ठगी करते थे, उसके कुछ CCTV फुटेज भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और किस तरह से पकड़ने के बाद इनसे पूछताछ हुई है, इन्होंने फिर अपनी ठगी और ये धोखाधड़ी कबूल की है। इसमें बातचीत के दौरान होटल मालिकों ने, खास करके मौलाना मोहम्मद सफातुल्ला ने कहा है कि इन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस के हवाले किया जाएगा, लेकिन अंत में जो है इनको, इन युवकों को होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बगैर पुलिस में दिए छोड़ दिया है। तो जो बात कही गई है उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, ये हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहे कि तीनों युवक मुमरा कौसा के ही विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। एक शंकर मंदिर अंबेडकर नगर परिसर का रहने वाला है, एक दरगाह परिसर का रहने वाला है, एक मुमरा बाईपास का परिसर का रहने वाला है, और 1,500 से लेकर 3,000 तक के खाने के पार्सल ये लोग होटल मालिकों से मंगाते थे और उनको पैसा दिए बगैर ठगी करते थे। तो देखिए मुमरा कौसा शील परिसर के होटल वालों के साथ पार्सल के नाम पर ठगी करने वाले युवकों का ये कारनामा। क्या नाम है आपका और आपकी होटल में कुछ ठगी वाला मामला हुआ है, फ्रॉड कर रहे हैं कुछ 4-5 लोग 1-8 महीने से, आप ऐसा सुनने में आया है, तो क्या पूरा मामला ये? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, नाम मौलाना सैफुल्ला, होटल फाउंटेन, फाउंटेन होटल में जी, फाउंटेन होटल। दरअसल पिछले 1 महीने से हम लोग, हमारा होटल एसोसिएशन का ग्रुप है जी, उसमें एक चीज़ वीडियो और मैसेज सर्कुलर हो रहे थे कि 2-4 बंदों की टीम है जगह जगह पार्सल मंगवाती है, बड़ा पार्सल मंगवाती है, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 का पार्सल मंगवाती है, और फिर गलत एड्रेस से के वहाँ बुलाते हैं बंदे लोग को, जब बंदे हमारे वहाँ पहुँचते हैं तो पैसा ऊपर से लेके आ रहे हैं, बस हमारा भाई लेके आ रहे हैं, हमारी एजेंसी है वैसा करके, वो पार्सल लेके किसी दरवाजे भाग जाते हैं वो लोग और पैसा कहीं पे नहीं करते हैं। ये कांड कई जगह पर हो चुका है, लक्की में हुआ है, लक्की होटल के अंदर, साहिल के अंदर, फिर बाईपास के सामने ताजिन होटल के अंदर हुआ है, अभी 2-4 दिन पहले रीगल में हुआ था, रीगल में हुआ और आज फाउंटेन में हुआ। तो हम लोग फाउंटेन में फुल निगरानी कर रहे थे, हमें मालूम था कि ये ग्रुप है, उनका ये नंबर है और इस किस्म के लोग हैं, तो आज फुल हम अटेंशन थे। तो जैसे तो हमें नंबर कैसा अपने लोग ने ये वेरीफाई किया, ये एक ही नंबर से कॉल आता है करके? मिश्रा, जब कॉलर ट्यू पर डालते हैं तो मिश्रा के नाम से नंबर आता है। अच्छा, हाँ, 704 नंबर है लास्ट में, तो ये नंबर है। तो हम लोग बस मतलब बाखबर थे कि कब ऐसा कॉल आता है, तो उसकी निगरानी करेंगे। हर एक दिन आड़ होता ही है आप लोगों के साथ, यानी कोई 2-4 दिन में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ कोई होटलों में होता ही रहता है। हाँ, और हमारा होटल का पूरा ग्रुप है, पूरे मुमरा रेती बंदर से लेकर कल्याण फाटा जितने भी होटल हैं सब एक दूसरे कनेक्टेड है, कहीं भी कुछ भी होता है इस किस्म का, कोई आजकल लोग जीपे के अंदर फ्रॉड करते हैं, जिसे फ्रॉड करते हैं तो फौरन वो मैसेज पूरे हर होटल के ग्रुप में सर्कुलेट कर जाता है। तो हम लोग अटेंशन थे,
तो जैसे आज कॉल आया तो हमारे मैनेजर ने बताया कि ऐसा कॉल आया है, तो मैं खुद पार्सल छोड़े हमारे बंदे के साथ गया, तो ये लोग मुझे देख के भागने लगे। अच्छा, हाँ भागे। कितने लोग थे? तीन लोग थे, एक बाइक था और उसके साथ में दो बंदे पीछे बैठे हुए थे, तीन लोग थे। ये तो कहाँ पे? अचारगली के अंदर मरहबा कॉम्प्लेक्स है, उसके अच्छा। नीचे खड़े होके उन्होंने एड्रेस दिए। तो पहले हमारा बंदा गया, उसको फाउंटेन पे ऑर्डर किए थे। हाँ, फाउंटेन पे ऑर्डर किए थे। अच्छा। उसको काफी घुमाने की कोशिश किए, लेकिन फिर जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे देख के लोग भागे, तो उनमें से एक बंदा पकड़ा गया, बाकी दो फरार है। अच्छा, दो फरार है। तो अभी आप आगे की क्या कार्रवाई करने वाले हैं? लोगों का ताज इनके अंदर भी हुआ था, तो अभी हम ताज पे लेके आए हैं, उनके वेरिफिकेशन सब हो गया कि हाँ यही नंबर से कॉल आया था, इसी की आवाज़ है। और वही नंबर से ऐसे कितने बार कॉल आए हैं पूरे आप लोग के? नहीं, सभी होटल से आपने जो पता लगाया है? एक महीने के अंदर लक्की होटल के अंदर, साहिल होटल के अंदर, रिगल होटल के अंदर, अभी तक 1800 का पार्सल मंगवाया था, कल परसों ताज इनके अंदर मंगवाया था, 1500 का पार्सल मंगवाया था, आज फाउंटेन में मंगवाया। आज फाउंटेन में कितने का पार्सल था? 1222 का पार्सल था। यानी ये बंदे हैं, तीनों मिला के तीन तीन लॉलीपॉप, बड़ा शानदार ऑर्डर मंगवाते हैं, पैसा पे करना नहीं इन लोग को जी, तो बड़े बड़े ऑर्डर मंगवाते हैं। अभी आपने पकड़ा तो वो क्या बता रहा है आप लोगों को? आपको मेरा तो बहुत घुमाने की कोशिश की उन्होंने जी, लेकिन आखिरकार उनको सच बोलना पड़ा। हमारे पूरा पूरी रिकॉर्डिंग थी, रिगल में भी रिकॉर्डिंग थी, सबकी आवाज़ सेम, नंबर सेम जी जी। अभी वो साहिल होटल का भी CCTV हमने देखे अभी जी जी, बताए भाई ने, तो उसमें भी यही दिख रहा है इनके साथ एक और आदमी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो श्योर के टीम यही है, बस अलग अलग एड्रेस से अलग अलग जगहों पे, उनको कैसा है जिस होटल में कांड करना होता है ना, उसी की बाजू की बिल्डिंग में जाके उसका बोर्ड देखते हैं कि हाँ ये बिल्डिंग का ही नाम है, फिर वहीं जाके वो ऑर्डर करते हैं, और जैसे पार्सल आता है कुछ बहाना करके भाग जाते हैं वहाँ से। खुला भाई ने जैसा बताया ये तो सब होटल में फ्रॉड कर रहा है, साहिल होटल में भी इसने एक महीना पहले 15 दिन पहले 2300 रुपये का ऐसे पार्सल का फ्रॉड किए थे, ये लोग का ग्रुप है। जो मोनू भाई ने CCTV दिए उसमें ये लड़का साफ दिख रहा है, जो साफ दिख रहा है इसका पूरा ग्रुप है। बाकायदा ये लोग ग्रुप बना के आते हैं, जो पार्सल वाले बच्चों को है ना खाली भटकाते कि तुम नीचे करो ऊपर जाओ 50 रुपये टिक मिल जाएगी, वो बेचारे वो काम करने वाले वो लोग डर के मारे भागते नहीं है लोग के पीछे, खुदा ना खास्ता कुछ निकाल के मार वार दिए तो इसका जिम्मेदार कौन? होटल वाले होटल के धंधा करने बैठे, लफड़ा करने तो बैठे नहीं, उनके पीछे भागेंगे तो नहीं। आज तो इत्तेफाक से अभी ऐसा सैफुल्ला भाई के पीछे आस्था होते होते बच गया, बच गया तो खुदा ना खास्ता वो भागते उनके पीछे, और खुदा कुछ हो जाता तो गल्ला छोड़ के थोड़ी भाग सकते हो, गल्ले से रॉबरी हो जाती तो काफी वक्त से मैं भी देख रहा हूं वो बुला रहा है किसी को, मगर उसके साथ वाले कोई आ नहीं रहा है, नहीं तो वो कहानी बना रहा है, और उसके जो है डॉक्यूमेंट भी सही नहीं है, आधार कार्ड के ऊपर नाम अलग है। अभी कोई एक भाई आया है, ऐसा देख रहा हूं मैं इधर खड़े रह गए। हां वो भाई आया है, भाई बोल रहा है जिसका जितना पैसा है मैं दे दूंगा, वो एक महीने से ये फ्रॉड कर रहा है, तो अब एक महीने का पैसा कितना होता है दे दो, खत्म हो गया। अगर वो पैसा दे देगा, जैसे पैसा देके मतलब है ना, हाँ वो एक्चुअली उसको सबक मिला चाहिए। हाँ तो नहीं, वो पैसा नहीं किया, पैसा अगर वो देगा तो भी आप लोग उसको पुलिस के हवाले करोगे? मतलब ही ना, जो गया वो गया बराबर, पैसे से क्या आएगा अभी अपना जो उसका वो जो है जो ऐसा जो हरकत है नहीं बाद आएगा, पैसा देगा छूट जाएगा बोले भाई। कल ही ताज रेस्टोरेंट में हुआ है, ताज रेस्टोरेंट में 1700 के आसपास का उसका पार्सल है, पार्सल उसने इधर फातिमा बिल्डिंग में मंगाया, बच्चों को बोला भाई ऊपर पहुंच जा 4 माले पे और 50 रुपया तेरे को टिप भी मिल जाएगी, तो बच्चा ऊपर चला गया उसने। अच्छा बच्चा पहचानता भी है उसको? हाँ बोला, अभी बोला आपके सामने भी कि हाँ मैं उसको जानता हूँ। पार्सल वाला बच्चा तो बोल ही रहा है कि ये इसी ने कल पार्सल लिया था मेरे हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? आशिम। आशिम भाई कल आपने पार्सल लेके गए थे ताज होटल से, और कितने का फ्रॉड किया इसने आपके साथ और आपको कैसा बेवकूफ बना के भागा पार्सल लेके? पार्सल लेके ये मैं पहला पार्सल लेके गया, मैं डायरेक्ट रूम पे गया, रूम पे मैं पल्ला खटखटा रहा था, 5-10 मिनट पल्ला खटखटाया नहीं खुला, मैं नंबर पे फोन लगाया, इसने बोला कि नीचे आओ, मैं नीचे गया तो ये बोला पार्सल दे दो मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना है, मेरे से बात कराया पता नहीं किससे कि लड़का ऊपर आ रहा है रूम पे, उसको पैसा दे दो 50 रुपये टिप दे, तो मैं ऊपर गया फिर ये लोग गायब हो गए। अच्छा हाँ। फिर उसके बाद अगर ये आज मिला दूसरी होटल में फ्रॉड करते हुए तो आपने पहचाने के यही था? हाँ पहचान लिया मैं, यही था, इसके साथ एक लड़का और था, वही निवास उसका दोस्त था मेरा दोस्त ही था, उसको बुलाना वो उसके सबसे बात करने तुमको कैसा फोन किया वो
उनको कैसे फोन किया? उनका ही दोस्त है ना मेरा भाई। तुमको लेकिन आपको कैसे फोन किया? उनको तुमको किया ना, फोन तुमको किया ना कि भाई तेरा भाई जा रहे पूछ रहे कौन भाई। भाई भाई से मत मारो ना भाई, अल्लाह ही गजन जाके बोलता भाई। हां मैं उनको दूं। हां मैं कल मैंने नहीं बिलाल भाई, मैंने नहीं किया बिलाल भाई। तेरी दोस्ती बोला बिलाल भाई, आपका नहीं बोल रहा भाई, नहीं किया मैंने। अगली बार नहीं करूंगा। और क्या बोल बबलू, कौन सी रहता कहाँ रहता है? कौन बबलू? कौन सा बबलू? बबलू किसका नाम लिया तूने? कौन से एरिया का? सोनाजी नगर। सोनाजी नगर कौन सी बिल्डिंग में रहता है? बबलू जंड। क्या हुआ? कौन सा नाम है? बबलू बिल्डर अफजल का जीजा जी भाई।